बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने आलू का चिनार बनाई है जिसे मैंने चटनियों और पूरियों के साथ मैंने इसे सर्व किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको आलू का चिनार बनाना सिखा रही हूँ। वैसे तो चिनार की जो ओरिजिनल रेसिपी है वो कीमे में बनता है या गोश्त में बनता है, लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं जो गोश्त नहीं खाना चाहते तो वो चिनार को आलू के साथ भी और बहुत मज़े ही ये बना सकते हैं। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो देखिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चिनार ली है आधा किलो, जिसे मैंने साफ कर लिया और धो लिया। दो अदद मीडियम साइज के हमें चाहिए प्याज, 5 से 6 अदद मीडियम साइज के हमें चाहिए टमाटर, 3 से 4 अदद हमें चाहिए आलू मीडियम साइज के, 1 गुच्छे हमें हरी धनिया की जो कि हम डालेंगे गार्निशिंग के वक्त, 2 इंच का टुकड़ा चाहिए अदरक का, 1 टेबल स्पून भर के हम यहाँ पे चाहिए लहसुन, 3 से 4 अदद हमें चाहिए हरी मिर्चें, 1/2 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, 1/2 टीस्पून मेरे पास यहाँ पे है लाल मिर्चें या हसबे जायका, नमक हसबे जायका, ऑयल हसबे जायका मैं यहाँ पे 1/2 कप डालूँगी। और इन सारी चीज़ों को सवाए आलुओं के और हरे धनिया के, टमाटर प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्चें और ये चीज़ें और चिनार भी नहीं, सिर्फ टमाटर प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्चें ये मसाले हम चॉपर में डाल के हमने इसे थोड़ा सा चॉप कर लेना है। पेस्ट नहीं बनानी हमने, सिर्फ से क्या कर लेना है, चॉप कर लें। फिर हम हांडी में घी डाल के हम सारे मसाले उसके अंदर डालते हैं। आलू को क्यूब्स की शेप में काट के आप पानी के अंदर भिगो लें ताकि आलू जो है वो उनका कलर जो है वो चेंज ना हो। सवाए आलूओं और चिनार के मैंने ये जो मसाला है जिसमें प्याज टमाटर हरी मिर्चें सूखा धनिया जीरा नमक लाल मिर्चें इनको मैंने क्या कर लिया, मैंने चॉप कर लिया। याद रहे कि आपने इसकी पेस्ट फॉर्म में नहीं करनी, आलू को आप क्यूब्स की शेप में डाल दें। अब सबसे पहले हम ऑयल में आलुओं को 1/2 टर्न करेंगे, उसके बाद हम ये मसाला डालेंगे। इसमें लगभग 1/2 कप ऑयल उसके अंदर डालें आलुओं को। अब आलुओं को आपने 2 मिनट के लिए जो है आपने भून लिया। अब 2 मिनट के बाद जो मसाला हमने पीसा था चॉपर में वो सारा मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके साथ अब आपने इसे भून लिया है। इतना भूनना है तकरीबन 10 मिनट के आलू जो हैं वो भी आपके गल जाए और जो मसाला है वो भी भून जाए। फिर उसके बाद जो है हम लोग चिनार डालेंगे और चिनार डालने के बाद आप इसे 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे। चिनार तो बहुत जल्दी गल जाती है और इसके बाद हमारा खाना बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आलुओं के पानी से और इस मसाले के पानी से आलू भी गलेंगे और मसाला भी भुनेगा। चलें जी अब हम 10 मिनट के बाद इसको खोलते हैं। ये देखें ऑयल निकलना शुरू हो गया है, मसाला भी तकरीबन भुन गया है, बाकी जो है वो चिनार के साथ पकेगा। ये देखें आलू जो है तकरीबन 90% गल चुके हैं, बाकी 10% जो है ये चिनार के साथ गलेंगे। याद है कि आपने आलू को बहुत अच्छी तरह गलाना है। ये देखें नज़र आ रहा है आपको आलू गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम चिनार डालेंगे, इसे 2 मिनट के लिए हम भुनेंगे और फिर 5 मिनट के लिए रख देंगे जिसमें हमारी जो चिनार है और बाकी जो आलू जो है वो हमारा अच्छी तरह गल जाए। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया पुदीना हरी मिर्चें और गरम मसाला पिसा हुआ और हमारी चिनार बिल्कुल तैयार है। देखें अब हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो गया है आलू चिनार। अब हम इसके अंदर हरा धनिया पुदीना हरी मिर्ची और गरम मसाला डालेंगे, इसके अंदर सब कुछ मिक्स है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने आलू का चिनार बनाई है जिसे मैंने चटनियों और पूरियों के साथ मैंने इसे सर्व किया है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा
और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से ही होगा कि मेरी आने वाली जितनी भी नेक्स्ट ज़बरदस्ती रेसिपीज़ होंगी, जो वीडियोज़ होंगी, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा।